ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रोग्राम बनाया था। कौन सा प्रोग्राम बनाया था? फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो अपन करते रहेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अपन टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग करेंगे नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप क्या करेंगे? नेस्टेड नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो हम लोग एक फॉर लूप बनाए हैं, ठीक है, ये फॉर लूप है हमारा, ठीक है, ये फॉर लूप है हमारा, ठीक है। सो ध्यान से समझना, अगर इस फॉर लूप के अंदर मैं एक और फॉर लूप ले लूँ, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप मैं बना देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? नेस्टेड फॉर लूप बन जाएगा। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, ठीक है, क्लियर। हम लोग इस फॉर लूप के अंदर क्या किए, एक और फॉर लूप ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया नेस्टेड फॉर लूप। समझ में आया इतना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान के चलो ये वाला बाहर वाला लूप जो है वो 5 टाइम्स चल रहा है। कितने टाइम्स चल रहा है? 5 टाइम्स चल रहा है, ठीक है, और अंदर वाला लूप भी 5 टाइम्स चल रहा है, ठीक है, अंदर वाला लूप भी 5 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू 1 होगी, मतलब मान के चलो 1 to 5 चल रहा है, ठीक है, 1 से 5 तक चल रहा है, 1 to 5 ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं टेम्प्रेरी, ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है? 5 तक चल रहा है, मतलब 5 बार लूप चलेगा। अंदर वाला भी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 1 to 5 चल रहा है, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे जब ये फॉर जो आउटर लूप है, ये बाहर वाला जो लूप है उसकी वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी हम 1 मान लेते हैं, लूप स्टार्ट हो गया, वैल्यू 1 है, तो अंदर वाला लूप जो है वो कितने बार चलेगा? 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा और 5 के लिए चलेगा, ठीक है। जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, मतलब अंदर वाले स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होने बंद हो जाएंगे, ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा? इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से 2 के लिए यहाँ पे आउटर जो लूप है उसकी वैल्यू है 2, ठीक है, तो 2 के लिए भी अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर से लूप ख़त्म हो जाएगा, फिर ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी और फिर से ये 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5, क्लियर। फिर उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ हो जाएगी 4, फिर यहाँ ये अंदर वाला लूप जो है 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5, क्लियर। लिकेश्वर कुमार, लिकेश्वर कुमार सुन रहा है क्या? ठीक है, तो अपन कहाँ पे थे? लूप 4 तक चल गया था, ठीक है, तो अंदर वाला लूप भी कितने बार चला? 4 के लिए 5 बार चला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर बाहर वाला लूप 5 बार चल रहा है तो अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? 25 बार चलेगा, कितने बार चलेगा? 25 बार चलेगा। आया समझ में? ठीक है, तो मतलब बात ये हुई कि बाहर वाला लूप जितने टाइम चलेगा उतने ही टाइम अंदर वाला लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। अब भले ये 1 2 2 ही चले, ठीक है, अगर 1 2 2 चल रहा है, मतलब बाहर वाला लूप कितने बार चल रहा है? 5 बार चल रहा है, और अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा? 5 into 2 कितने बार चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा, ठीक
ठीक है। तो ये हमेशा इसके मल्टीपल पे चलता है। बाहर वाला लूप मान लो 5 टाइम्स चल रहा है, और अंदर वाला लूप कितने बार चल रहा है? 2 टाइम चल रहा है। तो कितने बार लूप चलेगा टोटल? 10 टाइम्स लूप चलेगा अंदर वाला। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? नेस्टेड फॉर लूप। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग जब भी ये नेस्टेड फॉर लूप हम लोग यूज़ करते हैं, मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये हमेशा एक पैटर्न बनाता है। कौन सा पैटर्न बनाता है? एक मैट्रिक्स का पैटर्न बनाता है। ठीक है, कौन सा पैटर्न बनाता है? मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है जानते हो? रो बाई कॉलम में काम करता है हमेशा। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 1 1 1 1, ठीक है, 5 टाइम्स 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया रोज़, क्या हो गया? रोज़ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टली जो होता है उसको बोलते हैं रोज़। क्या बोलते हैं? रोज़, ROWS, रोज़। ठीक है, इसमें कितने रोज़ है? 5 रोज़ है। कितने रोज़ है? 5 रोज़ है। कॉलम कितने हैं इसमें? ये जो फर्स्ट वाला 1 1 1 1 दिख रहा है ना, ये वाला, अब इसमें से ये वाला, ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये सेकंड वाला 1 वाला जो लाइन है वो सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये थर्ड वाला जो है वो थर्ड कॉलम है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रोज़ बाई कॉलम के हिसाब से ये लूप काम करता है। क्लियर, इसको हम लोग एक्सेल में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक्सेल में जानते हो ना सब लोग, ये होते हैं रोज़, ठीक है, ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, इतना पता है ना सबको कि नहीं पता है? पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1, इसको क्या हो गया, यार प्रोडक्ट एक्टिवेशन पे, ठीक है चलो यहीं से समझ लो। ठीक है, तो वर्टिकली जो होता है मतलब ये खड़े में जो होता है वो क्या होगा? कॉलम होगा, और ये हॉरिजॉन्टली क्या होगा? रोज़ होगा। ठीक है, तो रोज़ बाई कॉलम्स में काम करता है। ठीक है, कैसे काम करेगा? रोज़ बाई कॉलम्स में ये लूप जो है वो काम करता है। क्लियर, अगर मुझे ये सेम पैटर्न प्रिंट करना है यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 5 बार प्रिंट करना है, और कितने बार, कितने रोज़ प्रिंट करना है? 5 रोज़ प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग चल देते हैं अपने टर्बो C++ में। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये चीज़ समझ गए मतलब पूरा सी लैंग्वेज समझ गए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड, ठीक है, कॉन io.h। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं void main get ch। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लूँगा। ठीक है, int i
कॉमा जे। आई जो होगा हमेशा याद रखना रोज के लिए होगा, जे जो होगा वो कॉलम्स के लिए होगा, ठीक है। आई जो होगा आउटर लूप के लिए होगा, जे जो होगा वो इनर लूप के लिए होगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, नेस्टेड या फिर मैट्रिक्स डॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा फॉर, ठीक है। इसको हम लोग को कहाँ से कहाँ तक चलाना है, वन से लेके फाइव तक चलाना है। पांच रो हमारे पास होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फाइव रोज हमारे पास होने चाहिए, जो हॉरिजॉन्टली है वो रोज कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा आई इक्वल टू वन, ठीक है। वन से मैं स्टार्ट करूँगा, कहाँ तक जाऊँगा, आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, कितना स्टेप जाना है मुझे, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये मेरा आउटर लूप बन गया। अब मैं क्या करूँगा, ये हमेशा किसके लिए रहेगा, रोज के लिए रहेगा, किसके लिए रहेगा, रोज। आउटर लूप जो होगा वो हमेशा रोज के लिए होगा, ठीक है। इनर लूप जो होता है वो हमेशा कॉलम्स के लिए होता है, किसके लिए, कॉलम्स के लिए होगा, ठीक है। दुनिया में कोई नहीं बताएगा इतने अच्छे तरीके से, ठीक है, ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। इनर लूप जो होगा हमेशा कॉलम्स के लिए होगा। अब हम लोग को इनर लूप भी कितने बार चलाना है, फाइव टाइम्स चलाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू वन, सॉरी इनर लूप के लिए हम लोग यहाँ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं j, क्योंकि दोनों लूप के लिए हम लोग सेम वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। j इक्वल टू वन और j इज़ लेस देन इक्वल टू फाइव और यहाँ पे ले लेंगे j प्लस प्लस, ठीक है। हमेशा एक स्टैंडर्ड वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना, रोज के लिए i और कॉलम्स के लिए j, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब हम लोग को प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे वन 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 प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रिंट एफ और इसके अंदर में हम लोग क्या डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे वन, ठीक है। क्या डालना है, वन डाल देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। आउटर लूप जो है जो रोज क्रिएट करेगा, ठीक है, वो कितने बार चल रहा है, वन से लेके फाइव, फाइव तक चल रहा है, मतलब फाइव टाइम्स चल रहा है। वन के लिए चलेगा, टू के लिए चलेगा, थ्री के लिए चलेगा, फोर के लिए चलेगा और फाइव के लिए चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फोर की वैल्यू वन है, मतलब आउटर लूप की वैल्यू वन है, ठीक है। वन के लिए जैसे ही चलेगा तो जे की वैल्यू वन होगी, ठीक है, जे की वैल्यू वन होगी। वन के लिए एक बार वन प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगी, वैल्यू टू होगी, टू के लिए एक बार वन प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर वैल्यू थ्री होगी, थ्री के लिए एक वन प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर जे की वैल्यू फोर होगी, फोर के लिए एक बार वन प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू फाइव हो जाएगी और फाइव के लिए एक बार वन प्रिंट करेगा, ठीक है। एक रो कंप्लीट हो गया, एक रो के अंदर पाँच कॉलम थे, एक रो के अंदर क्या थे, पाँच कॉलम थे, ठीक है। जब i की वैल्यू 1 थी तो अंदर वाला लूप कितने बार चला, 5 बार चला, मतलब एक रो क्रिएट हुआ और उसके अंदर 5 कॉलम क्रिएट हुए, ठीक है। एक रो क्रिएट हुआ और उसके अंदर 5 कॉलम क्रिएट हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड रो पे, i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो अंदर वाला लूप वापस से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक बार वन के लिए चलेगा और वन प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू टू होगी और फिर से वन प्रिंट करेगा, ऐसे कर करके कितने बार चलेगा, पांच रो क्रिएट करेगा, हर पांचों रो के अंदर पांच कॉलम क्रिएट करेगा, ठीक है, क्लियर। अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वन वन प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव किया
और कंपाइल कर लेते हैं इसको, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है, रन किए, ठीक है, अभी देखो पूरा 1111 प्रिंट कर दिया। अब कितने बार प्रिंट हुआ है काउंट करो इसको, कितने बार प्रिंट हुआ है, पूरे 1 को काउंट करो कितने बार प्रिंट हुआ है। सेवेंटी फाइव, 25, हाँ 25 टाइम्स प्रिंट हुआ है, ठीक है, जो मैं बताया तो सही था, ठीक है, 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो कायदे से यहाँ पे क्या होना चाहिए, हर 5 1 के बाद, मतलब 5 बार 1 हो गया उसके बाद न्यू लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 5 बार 1 हो गया उसके बाद क्या होना चाहिए, न्यू लाइन पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कर देंगे न्यू लाइन, ठीक है, प्रिंट एफ, न्यू लाइन कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग, स्लैश एन, ठीक है, स्लैश एन हम लोग यहाँ लगा देंगे, ठीक है। कहाँ पे लगाए हम लोग, इस लूप के बाद में लगाए हैं, ये लूप ख़त्म हो गया है उसके बाद में लगाए हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस से इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ये देखो आ गया, समझ में आया। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला रो, सेकंड वाला रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 5 रो है, हर हर एक रो में 5 कॉलम है, ठीक है, हर एक रो में 5 कॉलम है, समझ में आया, ठीक है, सभी को समझ में आया, रो बाई कॉलम के फॉर्म पे ये लूप चलता है, ठीक है। अब हम चाहे तो इसमें कोई पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हैं, 1 की जगह मैं स्टार दे दे रहा हूँ, ठीक है, 1 की जगह पे क्या दे रहा हूँ, स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, रन करते हैं इसको तो स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अगर हम लोगों को कोई और चीज़ वहाँ प्रिंट करना है तो कुछ और हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ मान के चलो डॉलर प्रिंट करता हूँ तो डॉलर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ कुछ भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग है, जो दोगे वो उठा के प्रिंट कर देगा, ठीक है, समझ में आया सभी को कि नहीं आया, कुछ भी अगर डाउट होगा तो पूछ लो, ठीक है। इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, हाँ बताइए, हाँ फॉर के अंदर फॉर है, फॉर ही दिख रहा है यहाँ पे, और कोई तो लूप है नहीं, फॉर के अंदर दूसरा फॉर है, ठीक है, दोनों फॉर के लिए अलग अलग वेरिएबल यूज़ किए हैं, ठीक है, आई यूज़ किए रोज़ के लिए, जे यूज़ किए कॉलम्स के लिए, किसके बाद, हाँ तो आई प्लस प्लस तो लिखते हैं क्या, इंक्रीमेंट करना पड़ता है ना वैल्यू को, अरे अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेके 5 तक चल रहा है, इतना समझ में आया, ठीक है, अब कितना स्टेप चल रहा है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तब तो अगला स्टेप चलेगा लूप कि नहीं चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है, +1 करोगे तो आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 2 के लिए लूप चलेगा, ठीक है, फिर +1 होगा, ठीक है, तो ये आई इक्वल टू 1 होगा तो 1 के लिए पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये वाला, ठीक है, फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, फिर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फिर उसके बाद पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस करेगा, ठीक है, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, तो वैल्यू वहीं इंक्रीमेंट होती है लूप की, ठीक है। और किसी कुछ डाउट है,
समझ में आया सभी को? लगा सकते हो और एक फॉर लूप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना मन चाहे लूप ले सकते हो, अपने हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये किसी कोई डाउट है, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है पक्का? हाँ बोलो। हाँ एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, आई जे के ले लो। ठीक है, नहीं वेरिएबल देखो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है कुछ भी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग करता हूँ तो मैं जब भी लूप बनाऊँगा तो यहाँ पे मैं आई और जे यूज़ करता हूँ। ठीक है, फॉर लूप बनाऊँगा, वाइल लूप बनाऊँगा, डू वाइल लूप बनाऊँगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए कि अगर मान के चलो यहाँ तो हम लोग 4-5 लाइन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर मैं वहाँ 1,500-2,000 लाइन की प्रोग्रामिंग करूँगा तो वहाँ इतने सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज़ हो रहा है ना? तो हम लोग वहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए चलते हैं, और जनरली कहीं पे भी देखोगे तो आई यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, हाँ, सब जगह आई ही मिलेगा, मैक्सिमम जगह आई मिलेगा, तुम चाहो तो अपना नाम लिख लो, कोई मना नहीं कर रहा है वेरिएबल बनाने से। ठीक है, डॉलर की जगह आई प्रिंट करेंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ प्रिंट कर देता हूँ आई। ठीक है, कॉमा दे देते हैं और यहाँ परसेंट डी लगा देते हैं। ठीक है, परसेंट डी। ठीक है, अब इसके जगह मैं आई प्रिंट करती हूँ तो देखो क्या पैटर्न आया। ठीक है, तो ये आउटर लूप की वैल्यू है प्रिंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले रो के लिए आउटर लूप की वैल्यू थी 1 1 1 1। ठीक है, सेकंड के लिए 2 थी, थर्ड फोर्थ थे। ठीक है, कितने रो है टोटल? 5 रो है। ठीक है, अगर अगर मैं उसके जगह जे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे क्या प्रिंट करता हूँ? जे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसे एज्यूम करो कि वो दोनों को मर्ज करके देखो। ठीक है, आई और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 1 1 1 थी। ठीक है, उसके लिए इनर लूप कितने बार चला? 5 बार चला, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, समझ में आया? ठीक है, सभी को क्लियर है? नेस्टेड लूप समझ में आया सबको? हाँ पक्का? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी कल और परसों हम लोग ऐसे ही कुछ कुछ पैटर्न्स बना के देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है पैटर्न्स, एग्ज़ाम में भी आता है क्या? आएगा ही आएगा, लिख के ले लो आएगा, प्रैक्टिकल में तो आएगा ही, 100% आएगा, और थ्योरी में भी आता ही आता है। ठीक है, और टेस्ट में भी आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देखना, एक बार कोई यहाँ पे पैटर्न लिखना है, एक बार आई लिखना है, एक बार जे लिखना। ठीक है, क्या क्या आ रहा है वो, ठीक है, आउटपुट ऑफ स्क्रीनशॉट करके भेजना है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग? ओके, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो।